हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है सिंपल स्वीट किचन में। आज हम बनाएंगे मैगी ब्रेड पकोड़े। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम आधा कप बेसन लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे। पानी गाड़ के घोल तैयार करेंगे गाढ़ा सा। गोल रेडी हो गया है, देख सकते हो इतना गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमने 3 पीस ब्रेड के लिए एक ग्रीन चटनी है, इसे पहले लगाएंगे। दूसरे पीस में टमाटर सॉस लगाएंगे, इसमें कोई भी चटनी ले सकते हो। अब मैगी डालेंगे, जो ये हमारी बची हुई मैगी है, आप फ्रेश बना के भी ले सकते हो। दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे, हाथों से प्रेस करेंगे। इसे ब्रेड पकौड़ी की तरह कट कर लेंगे। देख सकते हो फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह इस ब्रेड को भी बना लेंगे। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें तेल लगा लेंगे। जो ब्रेड है ये घोल में डिप करेंगे अच्छी तरह से, इसमें रखेंगे। इसी तरह सारा रखेंगे, ढक्कन लगा के लो मीडियम पे 2 मिनट सेक लेंगे। ढक्कन हटाइए, देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है। इस पे ऑयल लगा लेंगे। इन्हें पलट लेंगे। ढक के सभी साइड पलटते हुए सेक लेंगे। देख सकते हो कम ऑयल में ब्रेड पकौड़े रेडी हो गए। एक बार इसे जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी पे क्लिक करना ना भूलें।